हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। फ्रेंड्स, डिफेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। e4 e6 वाली लाइन और बहुत ही फेमस ओपनिंग है e4 e6। बेस्ट मूव हमारा d4 रहता है, ब्लैक रिप्लाई देता है d5 और नाइट c3। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग विनावर वेरिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड nc3 यानी विनावर वेरिएशन यहाँ पे बेस्ट मूव ब्लैक के लिए होता है बिशप को d4। व्हाइट का बेस्ट चॉइस है e5, ब्लैक रिप्लाई देगा c5 और यहाँ पे a3, जिसके बारे में हमने अगले वीडियो में देखा था कि ब्लैक यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पॉन या बिशप a5 करता है रिप्लाई में तो क्या होता है। अब हम आते हैं मेन लाइन पे। यहाँ पे ब्लैक बिशप टेक c3, b टेक c3। अब यहाँ से अलग अलग लाइन शुरू है। तो पहला चैप्टर जो है इसमें हम देखेंगे कि ब्लैक यहाँ पे रिप्लाई देता है क्वीन c7। आइडिया क्या है क्वीन c7 का? यहाँ पे एक्सरे अटैक c3 पे, और जैसे कि पॉन टेक्स देन क्वीन c3 चेक, डबल अटैक से आपके रुक पे डेंजर है। यहाँ क्वीन हम रिप्लाई देंगे क्वीन g4 अटैक ऑन g7 डायरेक्टली। अब यहाँ ब्लैक के पास एक चॉइस है f6 और क्वीन से इंटर सपोर्ट हो जाता है। यहाँ हम रिप्लाई देंगे क्वीन टू f3। ब्लैक रिप्लाई देगा c टेक्स d4। हम मार सकते हैं c टेक्स d4। ब्लैक यहाँ पे एक्रोस e5 और यहां हम रिप्लाई देंगे क्वीन टू h5 चेक। चेक के बाद क्या होगा? g6 तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, किंग f8 हो सकता है बेस्ट चॉइस। और यहाँ पे हम एक वेटिंग मूव करेंगे बिशप d2। वेटिंग मूव इसलिए कि एक डिफेंसिव भी मूव है जो क्वीन c3 को रोकता है। ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट f6 और यहां पे क्वीन टेक्स e5। हालांकि पॉन टेक्स पॉन और यहां पे ब्लैक कर सकता है, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बिशप b4 बहुत डेंजर थ्रेट है। नाइट f6 में क्या होता है कि bb4 में किंग g8 जा सकता है डिफेंसिव। चलिए, यहां से 12 मूव हो गई हमारी कंप्लीट क्वीन e5 के बाद। तो ब्लैक खेलता है नाइट f6 और हम यहाँ पे क्वीन टेक्स e5 करते हैं। 12 मूव के बाद पोजीशन देखो, यहाँ पे दोनों के पास मटेरियल इक्वल है और यहाँ पे सेंटर में दो कनेक्टेड पॉन रहते हैं और यहाँ पे एक आइसोलेट। लेकिन व्हाइट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त डेवलप है, जो पूरा दोनों बिशप ओपन और अर्ली नाइट डेवलप करके शॉर्ट कैसल भी हो सकता है। हालांकि ब्लैक का किंग जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। 8 मूव में थोड़े थोड़े चेंजेस देखते हैं। जो 8 मूव यानी cd4 क्वीन f3 के बाद f6 में हमने क्वीन f3 किया। चलिए, यहाँ पे दो और चॉइस है। एक तो है c4 जो पूरी लाइन आपकी ब्लॉक कर रहा है। c4 में आपको रिप्लाई देना है बिशप e2, ये रेयर लाइन होती है। नाइट c6 और यहाँ पे आप खेल सकते हो क्वीन टू g4। क्वीन g4 के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा क्वीन f7 और यहाँ पे नाइट। दूसरी जो चॉइस है क्वीन f3, यहां ब्लैक नाइट c6 भी खेल सकता है, हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे आपको खेलना है बिशप b5, डायरेक्टली पिन कर दो डेवलप के साथ में क्वीन f7, ये ब्लैक की बेस्ट चॉइस होगी। और यहां पे बिशप टेक c6, b टेक c6 और उसके बाद नाइट। ये पोजीशन भी काफी बेटर है। और 7th मूव में f5। चलिए, यहाँ पे हम थोड़ा पीछे जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक अगर f5 करता है तो क्वीन पे अटैक करता है, तो एक ये भी चॉइस रहती है। यहाँ पे हम खेलेंगे क्वीन g3। उसके बाद तीन मेन चॉइस, एक तो है ब्लैक के पास नाइट c6 वाला मूव, दूसरा नाइट e7 और cd4, तीनों देख लेते हैं।
और नाइट c6। यहां पे आपको नाइट f3 करना है और ये पॉन को सपोर्ट देना है। आफ्टर c takes d4 एंड g e7, यहां पे आपको बिशप d2 पहले खेलना है, क्योंकि नाइट सेक्रीफाइस आने के बाद क्वीन c3 कभी भी आ सकता है और बिशप डेवलप भी करना है हमें। ब्लैक रिप्लाई देगा शॉर्ट कैसल, और यहां पे आपको खेलना है बिशप d3। ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप d7 और यहां आपको करना है शॉर्ट कैसल। पोजीशन आप देख सकते हो काफी बढ़िया है, व्हाइट का पोजीशन कैसल भी हो चुका है। ब्लैक का जो माइनस पॉइंट है ये है e6 वीकनेस पॉइंट, जो बैकवर्ड पॉन बन चुका है बैकवर्ड पॉन, तो यहाँ के आप एडवांटेज एंड गेम में ले सकते हो। बी वाला वेरिएशन, जो सेकंड वेरिएशन है क्वीन nc6, उसके बदले नाइट e7। चलिए यहाँ पे ब्लैक अगर नाइट e7 करता है तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा, इसमें आप क्वीन g7 मार सकते हो। ब्लैक ट्राई करता है अटैक के लिए, इसीलिए पॉन सेक्रीफाइस करते हैं। रुक g8 ये मेन चॉइस होती है, क्वीन टेक्स h7 और उसके बाद c takes d4। अब यहाँ आपको अलर्ट होना है, पॉन टेक्स पॉन बहुत ही बड़ी ब्लंडर होगी। यहाँ आपको खेलना है नाइट e2, क्योंकि c3 पे आपको हर बार नजर रखनी होगी। फ्रेंच डिफेंस में जब आप विनावर खेलते हो तो c3 पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो नाइट e2 d into c3, ये ब्लैक का मेन चॉइस है। यहाँ पे आपको क्वीन h5 चेक, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट g6 और बिशप टू g5। ओके, थर्ड वेरिएशन जो है cd4। यहाँ पे ब्लैक पॉन टेक्स पॉन, यहाँ आप पॉन मार सकते हो क्योंकि क्वीन c3 की थ्रेट अब नहीं है, क्वीन g3 पे है। ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट e7 और यहाँ पे आपको नाइट e2 करना है। अब आप थ्रेट दे रहे हो कि मैं क्वीन टेक्स g7 मार सकता हूँ। अब ब्लैक रिप्लाई देगा शॉर्ट कैसल, यहाँ पे आपको करना है c3 और पूरी पोन चेन रेडी हो गई। ब्लैक रिप्लाई देगा b6 और यहाँ पे नाइट f4, ब्रिलियंट मूव है। यहाँ पे क्वीन d7 ब्लैक रिप्लाई देता है इसमें और a4। क्वीन d7 का आइडिया है क्वीन a4 टू एंटर लेने का, लेकिन a4 करने के बाद उसके पास कोई एंट्री नहीं है। ओके, 8 मूव में bd7 ब्लंडर है, लॉस इज द रो, ये ध्यान रखिए। इतने मूव्स के बाद 8 मूव, जैसे हम क्वीन g3 के बाद, हाँ सॉरी, यहाँ पे अगर ब्लैक बिशप d7 करता है तो ये लॉस इज द रूक, मतलब क्वीन इंटू g7 सिंपल आपको रूक मिल जाएगा। आफ्टर c takes d4 नाइट e2 आपको ये ध्यान रखना है, और ब्लैक खेलेगा नाइट c6 और सिंपल क्वीन h8, कंप्लीटली वाइट विनिंग है यहाँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे वेरिएशन दिखाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। पूरी फ्रेंच डिफेंस के सामने आप वाइट से कॉन्फिडेंस से खेल सकते हो, इसीलिए मैं आपके लिए पूरे वीडियो सभी तैयार करता हूँ। जल्दी मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।